So far, Dalton atomic theory is completed. Now it's turned to, that is, formula making. All right. So formula कैसे लिखते हैं? What is the element compound? सबसे पहले आपको याद करने पड़ेंगे atomic numbers and atomic masses till 1 to 20. तो मैं लिख रहा हूँ, आप simultaneously लिख सकते हो. This is atomic number one. अच्छा, एक और चीज, हम element को कैसे represent करते हैं? Element is represented by a symbol X. ऊपर की तरफ क्या लिखा रहता है? Atomic mass. And the bottom side, it is always atomic number. ठीक है, अब ये बात याद रखना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऊपर की तरफ atomic mass, इस साइड भी लिख सकते हैं, और एटॉमिक नंबर हम इस साइड भी लिख सकते हैं. कैसे भी लिखो, बट ऊपर की साइड में हमेशा एटॉमिक मास होगा, नीचे की तरफ आपका हमेशा एटॉमिक नंबर होगा. इज इट क्लियर? ऑलराइट स्टूडेंट? यस सर. यस सर. सो फर्स्ट एटॉमिक नंबर इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन, मैं इसका सिंबल्स भी लिख देता हूं विद द नेम ऑल्सो. दिस इज हाइड्रोजन. सेकेंड इज हीलियम. एटॉमिक नंबर टू इज हीलियम. We called as helium. Third is lithium. Lithium. So symbol LiA. We called as lithium. Beryllium. Fourth is beryllium. Atomic number fourth. That is beryllium. Fifth is boron. Boron. Number five. We said boron. Sixth. Carbon. So carbon. Seventh, hydrogen. Nitrogen. No, sir, sir. Nitrogen. Nitrogen. Eight, oxygen. 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 Nine, sir, ninth. Fluorine. 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 F is the symbol. Fluorine. Okay, right? Sir. Fluorine. Ten, neon. Neon. That is neon. 11. Neon. Sodium. Sodium. Symbol is Na. We call this sodium. 12 is magnesium. Magnesium. Aluminium. Then we have sir, aluminium. Yes, very good. 13th is aluminium. Then sulfur. Then 14 is silicon. Silicon. 15. Phosphorus. Sir, silicon. Phosphorus. Phosphorus. 16th is sulfur. 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 17. Argon. Chlorine. Cl for argon. Now 18, chlorine. Argon. 19th is potassium. Potassium. Calcium. By heart learn करने हैं. Vanadium. ठीक है. Next chapter में हम 20 से लेके 30 तक learn करेंगे. So इस chapter में 20 तक learn करने हैं. Ninth क्लास में आपको एटलीस्ट 30 तक तो लर्न होनी चाहिए. 10th में पूरे 118 एलिमेंट शुड बी लर्न अकॉर्डिंगली. ऑलराइट, नाउ द एटॉमिक मास. ओके सर. अब कुछ एटॉमिक मासेस हैं जो आपको लर्न करने हैं. एटॉमिक मास, ठीक है, मासेस पे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, पहले कुछ लर्न कर लेते हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, यहां इसका नंबर लिख रहा हूं और यहां पे इसके एटॉमिक मास लिख रहा हूं. एटॉमिक मास इज 1. देन आपको याद रखना है कार्बन का. कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास इज 12. देन वी हैव नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर इज 7, एटॉमिक मास इज 14. ठीक है, इनकी यूनिट्स होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट. सर क्या मतलब होता है AMU का, कितनी वैल्यू होती है AMU का, वो सारी चीजें आगे देखेंगे. देन ऑक्सीजन इज 8, एटॉमिक मास इज 16. आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि इनके एटॉमिक मास इज नियरली अराउंड किसके बराबर है? डबल के बराबर है. ठीक है, देन यू हैव टू लर्न सोडियम. यस सर. एटॉमिक मास इज 23. डबल के बराबर है उनके. डबल के बराबर है, लेकिन एग्जैक्टली डबल नहीं होते, ये बात याद रखना. कुछ एक केसेस में मिल जाएंगे, कुछ एक केसेस में नहीं मिलेंगे आपको. देन मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इसका एटॉमिक मास होगा दैट इज 24. AMU 24. देन यू हैव एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13,
Atomic mass is 27 AMU. 27. Then 26. You have potassium. Atomic number is 19. Atomic mass is 39 AMU. 39 AMU. Then you have calcium. Atomic number is 20. Atomic mass is 40 AMU. 40. Then you have copper. Atomic number is 29. And atomic mass is 65.3 AMU. Then zinc. Zinc, atomic number 30. Atomic mass is around nearly. Atomic इसका छोड़ दो, zinc का आपके काम भी नहीं आएगा अभी. जो काम आ रहे हैं वो लिख लेते हैं. ठीक है. The important thing is जो necessary है इसमें वो याद. Chlorine is very important. Atomic number is 17 and atomic mass is 35.5 AMU. Alright. आपको एटलीस्ट इतने सारे आपको लर्न होने चाहिए. ये तो बाय हार्ट आपको लर्न होने चाहिए सो डेट आप फ्रीक्वेंटली काम कर सकते. समझ में आ गया. कॉपर के भी एक चेंज कर लेना बेटा प्लीज. कॉपर का एटॉमिक मास होगा 63.5, नॉट 65.3. इट इज 63.5. ठीक है. जिंक की बात कर रहे हैं तो जिंक भी लिख लो. चलो जिंक का होता है 65.3. एटॉमिक मास 30 होता है इसका. राइट. सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 AMU. राइट. यूरेनियम की बात करें एटॉमिक नंबर इसका 92 होता है, दैट इज 238 AMU. आयरन की बात करें एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 26 होता है, एटॉमिक मास इसका होता है 56 AMU. राइट. दीज आर द एटॉमिक मासेस दैट यू हैव टू लर्न. 1 टू 20 के बीच में कोई भी एटम्स आ जाते हैं तो उनके एटॉमिक नंबर तो लर्न होनी चाहिए और एटॉमिक मासेस आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए. 1 to 20 से अबव जैसे हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, यूरेनियम हो गया, आयरन हो गया, इनके हम छोड़ सकते हैं, इनके एग्जाम में गिवन भी हो सकते हैं आपके, लेकिन 1 से 20 तक गिवन नहीं होंगे. मेक श्योर दिस. ऑलराइट. नाउ अब बात आती है सिंबल्स की. ठीक है. केमिकल सिंबल्स. ये जो केमिकल सिंबल्स होते हैं इसको फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट थे ब्रेजिलियस ने इंट्रोड्यूस किए थे. ठीक है. ये कहता है कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं इनके सिंबल्स, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया, दैट इज एच. ठीक है. तो जो फर्स्ट लेटर होता है सिंबल का वो हमेशा कैसा होना चाहिए, कैपिटल वर्ड्स में. एंड द सेकेंड लेटर इज शुड बी इन, जैसे कि कैल्शियम है, आप बात करते हो कैल्शियम की, आप बात करते हो कार्बन की, दोनों ही सी से स्टार्ट होते हैं, है ना. तो ऐसे केसेस जहां पे दोनों ही की जो लेटर्स हैं स्टार्टिंग लेटर सेम आ गए, उन केसेस में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए सेकंड लेटर को यूज करते हैं. और सेकंड लेटर हमेशा होता है आपका स्मॉल कैप्स में. तो फर्स्ट लेटर शुड बी इन द कैपिटल्स एंड द सेकंड लेटर शुड बी इन द स्मॉल कैप्स. समझ में आ गया. बट कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं आपके, जैसे कि मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम का सिंबल कुछ और होता है, फॉर्मूला कुछ और. तो सोडियम का सिंबल है Na और जबकि ये स्टार्ट हो रहा है एस से, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो एक कमिटी थी वी कॉल्ड एस IUPAC. ठीक है. IUPAC कमिटी, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका याद रखना इंपॉर्टेंट है ये चीज, कई बार पूछा जाता है, इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है. इट्स अ यूनियन, इट्स अ कमिटी. ठीक है. यूनियन का मतलब क्या है, इट्स अ कमिटी ऑफ 15 टू 20 मेंबर्स इन एवरी कंट्री विच विल लुक आफ्टर हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूले. किस तरह से केमिकल फॉर्मूले, किस तरह से केमिकल सिंबल्स होने चाहिए, किस तरह से आपकी केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, वो सारे के सारे कौन बताता है हमें, IUPAC कमिटी बताती है. ठीक है. तो IUPAC कमिटी हमें कहती है कि कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके सिंबल्स कुछ और हैं और नाम कुछ और हैं, तो ऐसे में जो इनका नाम दिया गया था वो नेम जो था वो दैट इज द लैटिन वर्ड, इसके लैटिन वर्ड को अप्लाइड कर लिया गया. ठीक है. लैटिन वर्ड या ग्रीक नेम बोल सकते हैं उसको, इट्स अ ग्रीक नेमिंग. तो ग्रीक नेमिंग को भी हम लोग एज अ IUPAC नेमिंग में काउंट कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, ये सब क्या है, IUPAC नेमिंग. यहां तक समझ में आ गया बेटा, ऑल दीज आर IUPAC नेमिंग. यस सर. ठीक है.
तो कुछ ऐसे नेम्स yes, जिनको हम लैटिन नेम्स कहते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे. लैटिन नेम्स किसके अलग अलग होते हैं और सिंबल्स कुछ और होते हैं, तो वो प्लीज आप लर्न रखिए. जैसे कि फर्स्ट आ जाता है सोडियम. ठीक है, सोडियम का लैटिन नेम क्या है? इट इज कॉल्ड एज नैट्रियम. इसीलिए इसका सिंबल क्या बना? Na बना. क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर. ठीक है, और बताओ. और जैसे आ जाते हैं सिल्वर, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड इज सिल्वर. ठीक है, सिल्वर का सिंबल क्या होता है बेटा? Ag. ठीक है, लेकिन सिंबल और नेम में कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही. इसका मतलब ये इसका लैटिन नेम है. लैटिन नेम क्या होगा इसका? अर्जेंटम. अर्जेंटम. ठीक है, थर्ड आ जाता है आपके पास गोल्ड. कॉपर ले लो. कॉपर. कॉपर का सिंबल होता है Cu, लेकिन इसमें कहीं पर भी यू नहीं है. तो हम क्या करें इसका? इसका जो लैटिन नेम है दैट इज क्यूप्रम. क्यूप्रम से ये डोनेट हो गया. फोर्थ दैट इज गोल्ड. गोल्ड का सिंबल होता है Au. Au. ठीक है, और इसका लैटिन नेम होता है ऑरम. फिफ्थ आता है आपके पास दैट इज आयरन. आयरन का सिंबल सबको पता है दैट इज Fe. ठीक है, लेकिन नेम और फॉर्मूले जो उसका सिंबल है रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका लैटिन नेम होगा दैट इज फेरम. फेरम. फेरम कहा जाता है इसको. सिक्स्थ आ जाता है आपके पास मर्करी. मर्करी. मर्करी का सिंबल होता है Hg. Hg. लेकिन इसका लैटिन नेम क्या है? हाइड्रार. हाइड्राइड गायरम. ठीक है, सेवेंथ होता है आपके पास लेड. LEAD. इसका सिंबल होता है Pb. इसका लैटिन नेम होता है आपका प्लम्बम. एट इज पोटेशियम. पोटेशियम का सिंबल है के, बट नेम में कहीं नहीं है, तो इसका मतलब इसका नाम क्या है? लैटिन नेम होगा दैट इज कैलियम. नाइन्थ आपके पास आता है एंटीमनी. एंटीमनी. एंटीमनी का जो सिंबल होता है दैट इज Sb. ठीक है, Sb इज द सिंबल. एंड जो इसका लैटिन नेम है दैट इज कॉल्ड एज Stibium. Stibium. टेंथ है आपके पास दैट इज टंगस्टन. टंगस्टन जिसका सिंबल होता है W. टंगस्टन. वेर टंगस्टन इज यूज्ड? इट इज यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट. सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका. और इसका लैटिन नेम होता है वुल्फ्राम. ऑलराइट, सो दीज आर द 10 एलिमेंट्स जिनके नेम और सिंबल्स एक जैसे नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे क्या है? आपके कुछ लैटिन नेम्स इंट्रोड्यूस किए गए. समझ में आया बेटा? इज इट क्लियर? तो देखो बेटा, आपको कैसे पहचानना है? अगर नेम और सिंबल एक जैसे नहीं है तो डेफिनेटली उसका कोई लैटिन नेम यूज किया गया होगा, और वो लैटिन नेम्स आपके इनमें से होंगे कुछ ना कुछ. तो आपको ये लर्न करना है बाय हार्ट. इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर. यस सर. ठीक है, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, तो मेक श्योर अबाउट दिस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूले. उससे पहले एक चीज बताता हूं. एटॉमिसिटी इज, व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी, ठीक है, एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स यूज्ड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटम्स का इस्तेमाल किया गया उसे बोलते हैं एटॉमिसिटी. ऑलराइट, अगर एक एटम है, अगर एक एटम है तो उसे बोलते हैं अपन मोनो एटॉमिक. मोनो एटॉमिक. अगर दो है तो उसे बोलते हैं डाई एटॉमिक. अगर तीन है तो क्या बोलेंगे? ट्राई एटॉमिक. अगर चार है तो क्या बोलेंगे? टेट्रा एटॉमिक. अगर पांच है तो पेंटा एटॉमिक. अगर एट है तो ऑक्टा एटॉमिक.
और अगर n है, n का मतलब मोर देन टू है, तो उसे बोलते हैं हम लोग पॉलीएटॉमिक। तो इसका मतलब टू या टू से ज्यादा वाले सारे के सारे हम काउंट कर सकते हैं पॉलीएटॉमिक में, ठीक है। टू या टू से ज्यादा वाले को सबको क्या किसमें काउंट कर सकते हैं हम लोग, पॉलीएटॉमिक में काउंट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको लर्न रखना है। जैसे कि सबसे पहले बात आती है नोबल गैसेस, इनका दूसरा नाम होता है इनर्ट गैसेस। कौन कौन सी होती है इनर्ट गैसेस? पीरियोडिक टेबल देखी ना आपने? यस, पीरियोडिक टेबल जानते हो? यस, दिस इज अ पीरियोडिक टेबल। सो इन दिस पीरियोडिक टेबल दिस ग्रुप, जो लास्ट वाला ग्रुप रहता है दिस वन, इसे कहा जाता है दैट इज नोबल गैसेस, व्हाट वी कॉल्ड एज नोबल गैस। दूसरा नाम क्या है? इनर्ट गैस, इन्हें हम इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। क्या होता है? नॉन रिएक्टिव मतलब ये रिएक्शन नहीं करते। कैसे याद करें? हीना, नीना और करीना का एक्सरे याद रह गया? हीना, नीना और करीना का एक्स रे। तो एच ई कौन है? हीलियम है। एच ई इज हीलियम। हीलियम, ऑलराइट। देन आगे कौन आएगा? यस, हीलियम के बाद में कौन है बेटा? एनी। एआर आर्गन। आर्गन के आर क्रिप्टन। ऑलराइट, एक्स ई ज़ेनॉन एंड आर एन रेडॉन, ठीक है। ओजी जो है दैट इज ऑगा मैग्नीशियम, ये लास्ट ईयर डिस्कवर हुई थी, तो इसको अभी आप छोड़ सकते हो, आप इनको याद रखो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ट्रिक क्या है बेटा इसकी? हीना, नीना और करीना का एक्स रे, याद रह गया? All these gases are noble gases. And hina, helium, neon, argon, krypton, xenon और radon, ये सारी की सारी गैस होती है monoatomic. Monoatomic मतलब क्या है कि नेचर में कभी भी मॉलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी। डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिकुलर फॉर्म। इसका मतलब क्या है? इनकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? इनकी एटॉमिसिटी 1 होगी। दे आर मोनोएटॉमिक गैसेस, ठीक है। तो हीलियम कहीं मिलेगा तो एच ई के फॉर्म में ही मिलेगा, और किसी फॉर्म में नहीं। जैसे ऑक्सीजन अगर नेचर में मिलता है हमें ओ टू के फॉर्म में मिलता है, ठीक है बेटा। तो मैं आप कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देते हैं ना। तो पहला आता है मोनोएटॉमिक कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक गैसेस कौन कौन सी होंगी? ऑल नोबल गैसेस, सारी के सारी नोबल गैसेस आपकी क्या होंगी? मोनोएटॉमिक होंगी। एग्जांपल लिख सकते हो आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, वैसे तो सारे लिख सकते हो लेकिन आपके 1 से 20 तक ये तीन ही आ रहे हैं, तो इन तीनों को मोस्टली याद रखो। इन सब की एटॉमिसिटी कितनी होगी? एटॉमिसिटी इज 1। फिर सेकेंड आता है डायटॉमिक क्या होंगी? जिसकी एटॉमिसिटी 2 होती हो। ऑलराइट, एटॉमिसिटी इज 2, तभी तो नाम आया है डाई। एग्जांपल्स बोलो इसके, कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, F2, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सभी के सभी O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड आ गया आपके पास ट्राई एटॉमिक। तो ट्राई एटॉमिक की एटॉमिसिटी कितनी होगी बेटा? 3। एटॉमिसिटी इज 3। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे सोचो जरा, इसके एग्जांपल कौन से होंगे? एग्जांपल्स आर ओजोन, याद रखना ये, दैट इज ओजोन। फिर आता है फोर्थ टेट्रा एटॉमिक, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 4 हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल आपके होते हैं फॉस्फरस P4 के रूप में पाया जाता है नेचर के अंदर, दैट इज फॉस्फरस।
ठीक है. देन फिफ्थ आता है आपका ऑक्टा एटॉमिक. ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक जिसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाती है? एट. एट हो जाती है. कोई एग्जांपल जानते हो? दैट इज एग्जांपल इज सल्फर. एस एट के रूप में पाया जाता है. दैट इज सल्फर. गॉट इट. ये सारे मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो तो इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ऑल दीज आर होमो मॉलिक्यूलर. इन्हें हम नाम देंगे होमो मॉलिक्यूलर. होमो मॉलिक्यूलर, होमो मॉलिक्यूलर और हेट्रो मॉलिक्यूलर, दो तरह के मॉलिक्यूल्स हो गए आपके पास. अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें हम लोग तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको. वन इज होमो मॉलिक्यूलर, ठीक है, एंड द सेकेंड इज हेट्रो मॉलिक्यूलर. हेट्रो मॉलिक्यूलर, हेट्रो मॉलिक्यूलर. होमो का मतलब हो गया दैट इज सेम एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं. व्हेन सेम एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, to form a molecule, ठीक है. और हेट्रो का मतलब क्या हो गया? When different atoms, when different atoms combine, combine to form a molecule, to form a molecule. क्या ये बात क्लियर होगी बेटा? ठीक है. अब अगर मैं एटॉमिसिटीज की बात करूं, एटॉमिसिटी, तो एक एटॉमिसिटी वाले होमो मॉलिक्यूलर कौन से होंगे? नोबल गैसेस होंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन. जबकि हेट्रो मॉलिक्यूल्स में एक से ज्यादा तो हो नहीं सकते, इसलिए आएगा ही नहीं. डाई की बात करें तो यहां पर एग्जांपल कौन से आते थे डायटॉमिक के, जिसकी एटॉमिसिटी 2 है? ओ2 आ जाता था, एन2 आ जाता था, एच2, ठीक है, देन F2, बहुत सारे एग्जाम्पल थे. लेकिन यहाँ अगर बात करें हेट्रो एटम तो आप बोल सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. इनमें क्या है, दो दो एटम जुड़ रहे हैं. देखो एक कार्बन का, एक ऑक्सीजन का, तो दो हो गए एटॉमिसिटी. यहाँ पे देख रहे हो दो फ्लोरीन है, दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी एटॉमिसिटी 2 हो गई. थ्री की बात करें तो थ्री में कौन से आ जाते हैं यहाँ पे होमो के लिए? ओजोन आ जाता है. लेकिन हेट्रो के अंदर हम बात करें तो बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि CO2 है, तीन एटम हो गए, दो ऑक्सीजन के और एक कार्बन के. NO2 हो गया, SO2 हो गया, H2O हो गया. इन सब की एटॉमिसिटी 3 दिख रही है, एक सल्फर, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन प्लस वन ऑक्सीजन, टोटल मिला के 3 हो रहे हैं. यहां पर भी देखेंगे होमो मॉलिक्यूलर के अंदर भी 3 हो रहे हैं. 4 की बात करें, फॉस्फरस होता है इकलौता एग्जांपल इसका. यहां पे अगर बात करें तो देखो आपके पास आ जाता है H2O2, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं, तो टोटल 4 हो रहे हैं. आ रहा समझ में? यानी 8 की बात करें तो यहां हो जाता था S8, यहां देखें तो H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड कहा जाता है इसको, फॉस्फोरिक एसिड. इसकी एटॉमिसिटी काउंट करो जरा, 3 + 1 + 4, 3 + 1 = 4, 4 + 4 = 8. और यहां बात करो तो सल्फर के 8 एटम्स आपस में जुड़ के मिलके बना रहे. क्लियर हुआ? नाउ ये तो हो गया बेटा बात मॉलिक्यूल्स की. Now we have ions. What are ions? Ions क्या होते हैं? ये ions दो तरह के होते हैं. One is cation, another is anions. One is cation, another is anions. So देखो बेटा होता क्या है? Ions are just a charged species. Charged species को हम बोलते हैं ions. ठीक है? अगर वो positively charged हो गया तो उसे बोलेंगे cations. अगर वो negatively charged हो गया तो उसे बोलेंगे अपन anions. तो first हम बात करेंगे cations की. What are cations? Cations जो होते हैं, these are formed किससे बनेंगे? The species formed by loss of electron and are positively charged अच्छा chemistry में math से उल्टा होता है. For example जैसे sodium है, ठीक है, अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन बाहर दिखा दिया इस तरह से. तो ये जो बना इसे कहा जाता है कटाइन, कटाइन ऑफ सोडियम. ठीक है, जैसे मैग्नीशियम की बात करें हम लोग, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ने अगर दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए, मान लो टू इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो क्या चार्ज आ जाएगा? जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा उतना चार्ज उस पर आ जाएगा.
ये क्या कहलाएगा? मैग्नीशियम आयन कहलाएगा। इसको हम सोडियम आयन कहेंगे, इसको हम मैग्नीशियम आयन कहेंगे। उसी तरह से अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा बेटा? Al3 पॉजिटिव। तो इसे हम नाम क्या देंगे? एल्यूमिनियम आयन। ऑलराइट, उसी तरह से बेरियम की बात करें, दिस इज कॉल्ड एज बेरियम। बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और उस पर चार्ज आ जाता है Ba2 पॉजिटिव। तो दिस इज कॉल्ड एज बेरियम आयन, इसे बेरियम कहा जाता है, वी कॉल्ड एज बेरियम आयन। ऑलराइट, तो व्हाट आर कैटायंस? कैटायंस आर द स्पीसीज व्हिच आर फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर पॉजिटिवली चार्ज, जिन पे पॉजिटिवली चार्ज होता हो। अब बात करते हैं अनायंस की। अनायंस क्या होंगे? जस्ट उल्टा, सेकेंड इज अनायंस। अनायंस किसे कहेंगे बेटा? अनायंस आर द स्पीसीज व्हिच आर फॉर्म्ड बाय हांजी किससे बनेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है? एंड आर, जब गेन होगा तो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज, एंड आर नेगेटिवली चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप बात करते हो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा O2 नेगेटिव। अब इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो O-2 या O2 नेगेटिव, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2 माइनस कर रहे हो या माइनस 2 कर रहे हो। इसे कहा जाएगा ऑक्सीजन आयन, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि फ्लोरीन, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और चार्ज आ जाता है F नेगेटिव। अब इसे कहते हैं हम आयन ऑफ फ्लोरीन या फ्लोरीन आयन। उसी तरह से अगर बात करें तो और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं आपके पास, लाइक सल्फर। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या चार्ज आ जाएगा? S2 नेगेटिव। इसे कहेंगे सल्फर आयन। समझ में आ गई बात बेटा? इज इट क्लियर? यस सर। ऑलराइट, अब बात करते हैं इनके आयंस के। देखो आयंस के ऊपर बात होती है तो आयंस भी अलग अलग तरह के होते हैं। मोनोएटॉमिक आयंस होते हैं, ठीक है? मोनोएटॉमिक आयन। अब देखो मैं आगे आयंस लिख रहा हूं तो मतलब चार्ज हो गए। डायएटॉमिक आयंस होंगे, डायएटॉमिक आयन। ट्राइएटॉमिक आयंस होंगे, ट्राइएटॉमिक आयंस, ठीक है? टेट्राएटॉमिक आयन होंगे, टेट्राएटॉमिक आयन। और लास्टली हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है? इनके एग्जांपल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोनोएटॉमिक आयन वो होंगे जिसपे चार्ज सिर्फ एक आता हो, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि F नेगेटिव हो गया, ठीक है? जैसे कि H नेगेटिव हो गया, H पॉजिटिव हो गया, या फिर Na पॉजिटिव हो गया, या फिर K पॉजिटिव हो गया। तो इन सब पे चार्ज कितना देख रहे हो? जब कुछ नहीं लिखा तो 1 ही मान के चलेंगे, चाहे वो कटाइन हो चाहे वो अनायन हो। अगर चार्ज 1 आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज मोनोएटॉमिक आयन। सेकेंड आता है डायएटॉमिक आयन। डायएटॉमिक आयन वो होंगे जिसपे चार्ज क्या हो? 2 नेगेटिव हो, मतलब 2 हो, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे कि ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है, ठीक है? बेरियम 2 पॉजिटिव होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो इन पे चार्ज 2 पॉजिटिव है। सल्फर 2 नेगेटिव होता है। ऑलराइट, ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक वो होंगे जिन पे चार्ज क्या है? 1, 3 हो, ठीक है? चार्ज इज 3 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव कौन से होंगे? 3 पॉजिटिव वाले आपको मिल जाते हैं, जैसे कि N3 नेगेटिव हो गया, ठीक है? P3 नेगेटिव हो गया, ये चार्ज होते हैं जिन पे 3 नेगेटिव आता है। नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। सर ये इनकी वैलेंसी होती है ना? हाँ, ये वैलेंसीज होती हैं, आगे जाके समझ में आएगा व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। नाउ टेट्राएटॉमिक की बात करें तो टेट्राएटॉमिक जैसे कि कार्बन हो गया 4 नेगेटिव हो गया, सिलिकॉन जो हो गया 4 नेगेटिव होता है, ठीक है? अब पॉलीएटॉमिक आयंस किसे कहेंगे? पॉलीएटॉमिक आयंस जिसमें एक से ज्यादा एटम्स मिलकर जुड़ रहे हों, जैसे कि आपका आ गया CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन, HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन, PO4 3 नेगेटिव, ठीक है? तो हम इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फेट आयन, जैसे कि अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आयन, got it? तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस दे आर डिवाइडेड। अगर आयंस के बेसिस पे चार्ज को डिवाइड करें
तो मोनोटॉमिक आयन, डायटॉमिक आयन, ट्राइटॉमिक आयन, टेट्राटॉमिक आयन और पॉलीएटॉमिक आयन. बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? ये किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस. ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस. अब मेन चीज आती है, दैट इज टू लर्न द कटाइंस एंड अनायंस.